दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आज इंडियन बैंक या अलाहाबाद बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए एक जानकारी लेकर आ रहा हूँ, मोबाइल बैंकिंग, जिसमें आप घर बैठे 5 मिनट में मोबाइल बैंकिंग चालू कर सकते हैं, भीम UPI का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप घर बैठे मनी ट्रांसफ़र, अकाउंट डिटेल और सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए हम प्ले स्टोर या आईफोन यूजर्स के लिए ऐप स्टोर पर क्लिक करेंगे, उसके सर्च बार पर टाइप करेंगे INDOASIS। इतना टाइप करने के बाद उसमें नीचे आ रहा होगा इंडो असिस्ट इंडियन बैंक मोबाइल बैंकिंग, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अब इसको हम ओपन करेंगे। देखिए इस प्रकार से इसका स्क्रीन खुल रहा है, हमें अलाउ करते जाना है, अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, हिंदी इंग्लिश, आप जो चाहे मनचाहे लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लिया है, देन ओके। हमें यहाँ CIF डालना है हमारे पासबुक पे, या जिसके पास जिसे समझ में नहीं आया वो ब्रांच में जाके भी पता कर सकता है कि CIF कौन सा है, या आइडिया है, जानकारी है तो आप अपने पासबुक में देखेंगे, आप वो 11 डिजिट दिए होंगे, वो 3 से स्टार्ट होंगे या 1 से स्टार्ट होंगे, उसके सामने लिखा हुआ CIF। मैंने CIF नंबर एंटर कर दिया है, मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा, इसको परमिशन दूंगा अलाउ, देन मैं उस सिम पे क्लिक करूँगा जो सिम मेरे अकाउंट पे ऐड है। तो उसके बाद जो स्क्रीन खुला है इसमें हमें मोबाइल बैंकिंग एंड भीम UPI, आप मोबाइल बैंकिंग चालू करना है तो मोबाइल बैंकिंग पे क्लिक करें, यदि आप साथ में दोनों यूज करना चाहते हैं भीम UPI भी तो आप दोनों पे क्लिक कर दें, मैंने दोनों पे क्लिक करके रखा है, देन प्रोसीड। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। दोस्तों अब एक नया स्क्रीन खुला है जिसमें लिखा हुआ इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID पासवर्ड, ATM डेबिट कार्ड या एग्जिस्टिंग MPIN। अगर हमें ATM से चालू करना है तो हमें ATM की जरूरत पड़ेगी, या फिर जिसने आगे से इसको चालू करके रखा था एप्लीकेशन को और किसी कारणवश उसका बंद हो गया था तो उस केस में वो कस्टमर एग्जिस्टिंग MPIN का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ATM डेबिट, उन्हीं नंबर के पीछे लिखा हुआ है वैलिड मंथ एंड ईयर, तो वहाँ हम एक्सपायरी मंथ एंड ईयर डाल देंगे। इसके साइड में दिया हुआ है ATM पिन, हम ATM पिन वो डिजिट डालने हैं जिससे हम ATM से पैसे निकालते वक्त डालते हैं। ATM पिन डालने के बाद जो स्क्रीन आया है वो ये है, इसमें हमें MPIN बनाना है। MPIN की ज़रूरत हमें तब पड़ेगी जब हम एप्लीकेशन को लॉगिन करेंगे। MPIN के बाद हमें MTPIN बनाना होगा। MTPIN की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम किसी प्रकार का फाइनल ट्रांजेक्शन करेंगे, जैसे कि हम फंड ट्रांसफर किया तो अप्रूवल के लिए, नॉमिनी चेंज किया तो अप्रूवल के लिए, चेकबुक रिक्वेस्ट किया तो उसके अप्रूवल के लिए, PPF अकाउंट खोला तो उसके अप्रूवल के लिए हमें MTPIN की जरूरत पड़ेगी, बट MPIN की जरूरत पड़ेगी हमें एप्लीकेशन को लॉगिन करने के लिए। तो हम ATM पिन वो डिजिट डालने हैं जिससे हम ATM से पैसे निकालते वक्त डालते हैं। ATM में पीछे दिए हुए अंक, वैलिड मंथ एंड ईयर एंड ATM पिन डालने के बाद जो स्क्रीन आया है वो ये है, जिसमें हमें MPIN सेट करना होगा। फर्स्ट लाइन में हम जो MPIN डालेंगे उसी को सेकेंड लाइन में डालना, क्योंकि बोल रहा है कन्फर्म MPIN। तो मैंने MPIN डाल दिया है, मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। दोस्तों अब पूछ रहा है सेट MTPIN। दोस्तों MTPIN की जरूरत तब पड़ेगी जब हम फंड ट्रांसफर करेंगे, PPF अकाउंट खोलेंगे, नॉमिनी चेक करेंगे, नॉमिनी डालेंगे और भी इस प्रकार की जो भी सुविधाएं करेंगे, फाइनल अप्रूवल के लिए हमें MTPIN की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम कोई भी MTPIN डाल देते हैं, MTPIN और MPIN सेम नहीं हो सकते, तो अपना अपने हिसाब से आप कोई भी दूसरा MTPIN सेट कर लीजिए। फर्स्ट लाइन में हमें MTPIN डालना है, सेकेंड लाइन में भी उसको कन्फर्म करके सेम वही डालना है। यहाँ पर MTPIN डाल दिया है, उसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ। दोस्तों मैसेज आया है इंडो असिस्ट एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। लॉगिन करने के लिए हमने आपसे याद दिलाया था कि हमें MPIN डालना होगा, हमें मेरा MPIN डाल देता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद पूछ रहा है अलाउ ऐप फॉर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, आप यस कर देंगे तो आप फिंगरप्रिंट से भी इस एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे। उसमें लिखा है योर फिंगरप्रिंट एक्टिवेशन हैज बीन सक्सेसफुली, आपका ये फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल हो गया है।
जैसे स्क्रीन में कहीं भी क्लिक कर दूँगा उसका लिखा हुआ है गॉट इट आर नेक्स्ट। दोस्तों आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो चुका है। ये हमारे सारे अकाउंट मिल जाएंगे यहाँ पे, सेविंग अकाउंट, आपका करंट अकाउंट, आपका ओडी अकाउंट, आपका लोन अकाउंट, किसी प्रकार का लोन है, होम लोन है, कार लोन है, इसमें दिया हुआ सेल्फ पे, आपके ही अकाउंट से आपके ही अकाउंट पर ट्रांसफर, वो भी इंडियन बैंक या इलाहाबाद बैंक अकाउंट है। बेनिफिशियरी पे आपके अकाउंट से किसी दूसरे बैंक के, सपोज कि आपका इंडियन बैंक के खाते से SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, कोई भी अदर बैंक है, ईजी पे आपको इंस्टेंट पैसा अभी हाल ही भेजना है, जिसके लिए आपको बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इंस्टेंट पैसा भेज सकते हैं। और भी इसमें जानकारी मिल जाएंगी आप इसे सब देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड करवा दिया है। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।